This was something very, very, very different experience in my life. मैंने पहली बार देखा है, कसम से मजा आ गया. I'm sure जितना मजा मुझे आया होगा उतना आपको भी आया होगा. So guys, जिस तरफ मैं चल रही हूँ, इस तरफ है बूगीज जंक्शन और मेरी ऑपोजिट साइड में है बूगी स्ट्रीट. तो चलिए चलते हैं साथ में बूगी स्ट्रीट. ये बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है बूगी स्ट्रीट. अभी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉसिंग कर रहे हैं और साथ में चलते हैं स्ट्रीट पे. आज इस स्ट्रीट के ऊपर इतना रश होगा क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर है और ऑफकोर्स ये चाइनीज़ मार्केट है. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चाइनीज़ लोग नज़र आने वाले हैं और बहुत सारे टूरिस्ट ऑफकोर्स नज़र आने वाले हैं. मैं भी अपना पर्स थोड़ा संभाल लेती हूँ, ऐसे यहाँ चोरी नहीं होती पर कुछ कह नहीं सकते. तो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड, खाने पीने को बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी. तो ये है यहाँ की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट. यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे सुविनियर्स, यहाँ के शॉपिंग और बहुत सारा क्राउड. बहुत चलते चलते प्यास लगी है तो एक जूस लेने लगी हूँ अपना. दिस इज हाउ दे सेल. मैं आपको दिखाती हूँ. खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं पर वेजिटेरियन कुछ मिलेगा कि नहीं ये नहीं कह सकते. बहुत रश भी है. सो ये है बूगीज. यहाँ पे शॉपिंग आपको जितनी आप चाहें उतनी कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. चीप बाइज भी मिल जाते हैं यहाँ पे. बहुत सारे सुविनियर्स हैं, पर्सेज हैं, बैग्स हैं, हैट्स हैं, कैप्स हैं, जो आप नाम लीजिए क्योंकि इन अ वे चाइना की मार्केट ही है. सो लॉट्स ऑफ चाइनीज स्टफ यू विल फाइंड इन दिस स्ट्रीट. और बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स भी. दिल कर रहा है सारे के सारे के दिखते चली जाऊँ. सो जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको साथ साथ में लेके चलूँ ताकि आप भी कोई भी चीज़ ऐसी मिस ना करें जो मैं देख पा रही हूँ आप ना देख पा रहे हो, ऐसा ना हो. अभी मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने का मन भी कर रहा है. पहले ये ख़त्म करते हैं उसके बाद कुछ खाने पीने का जुगाड़ लगाते हैं. कुछ स्ट्रीट फूड ही खाएंगे डेफिनेटली. पीछे है यहाँ से निकल के हम सीधा जा रहे हैं. यहाँ पे सामने बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन हुई हुई है. आई थिंक चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए कुछ है. तो मेरा दिल किया कि आपको दिखाऊं. लाल लाल बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था तो थोड़ा सा अंदर जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ. आई थिंक यहाँ पे एक चाइना का टेम्पल भी था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मैं यहाँ आई हूँ, ये चाइना टाउन है मेरे ख्याल से. यहाँ का भी शॉपिंग का ट्रेंड चलते चलते मेरा दिल किया कि आपको दिखाती चलूँ. यहाँ पर भी छोटी छोटी ऐसी दुकानें सिंगापुर में भी आपको नज़र आ जाएंगी. बहुत सारे लोग आज तो आपको नजर आने वाले हैं. ऑफकोर्स स्पेशल ओकेजन है आज. देखिए गणेश जी की पूजा कर रहे हैं चाइनीज लोग.
मैंने पहली बार देखा है कि गणेश की पूजा जो है वो चाइनीज लोग कर रहे हैं। बहुत ही हैरानी की बात है। देखिए गणेशा है। नया सीख के जा रही हूँ। मैंने देखा है कि चाइनीज लोग जो गणेशा की मूर्ति है उनके टेम्पल्स में विराजमान है और उसकी पूजा वो करते हैं। अभी मैंने कुछ मंत्रा भी सुने हमारे मंत्र से मैच करते हुए मंत्रा से। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, मैंने कभी इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं की है, तो आज मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा है इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि आप देख सकते हैं गणेशा की मूर्ति मेरे सामने बिल्कुल खड़ी है, ये देखिए। और ये सारे बुद्धिस्ट जो टेम्पल के जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सारी एक जगह पर पड़ी हुई हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाफिंग बुद्धा, और इसके अलावा भी इनके सामने जो इनके देवता हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखकर। ऑफकोर्स जिस भगवान की पूजा हम कर रहे हैं, अगर उसकी कोई और भी पूजा कर रहा है, इससे बड़ी सम्मान की हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए क्या बात है। सो गाइस, बुगी स्ट्रीट देख ली, टेम्पल्स देख लिए, लोगों का प्रे करने का तरीका देख लिया, और गणेशा की पूजा होती देखी, वो तो चीज़ बहुत ही खुशी वाली थी। एनीवेज, और अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से मुझे तो भूख भी लगी हुई है, और लिटिल इंडिया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लिटिल इंडिया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, या तो मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी या MRT इज़ दैट ट्रैम ट्रेन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो मैं देखती हूँ अभी क्या करती हूँ, पहले तो कुछ खाया जाए छोटा सा, उसके बाद चलते हैं, जर्नी को आगे लेके चलते हैं। वो चल चल की हालत हो गई थी ख़राब, इतना सारा चीज़ें आपको एक ही बार में दिखा दी, एक ही बार में रात को सोई भी नहीं थी, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी थी, तो सोचा कि आज MRT जो इनकी ट्रैम है, ट्रेन है, जो भी व्हाटएवर है, वो हमने ट्राई कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। अभी लास्ट है लिटिल इंडिया देखना बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना बस ले ली जाए। तो देखिए बस स्टॉप पे खड़ी हूँ अभी मैं, तो मैंने सोचा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इनकी छोड़नी नहीं है, टैक्सी ट्राई कर ली है, ट्रेन ट्राई कर ली है, अभी बस ट्राई करने का यू नो टाइम आ गया है। आई थिंक कोई भी बस आएगी उस पर चढ़ूंगी और थोड़ा एक चक्कर मारूंगी, जहाँ पे भी पहुँचूंगी उसके बाद वापस होटल जाते हुए फिर टैक्सी ले लूँगी। गाइस, बुगी स्ट्रीट से एक्चुअली मैंने बस लेनी थी, बस ड्राइवर ने मुझे बोला कि आप तो पैदल जा सकते हो, बस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने 3 बस वालों से पूछा और मैं चलते चलते 20 मिनट में पहुंच गई हूँ लिटिल इंडिया में। इसमें सड़क में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने खाना खाया था, बहुत मज़े किए थे, लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉगर नहीं थी ना, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने अपने पैर तोड़वाए हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलो आपको यहाँ के पूरे हिंदुस्तानियों के दर्शन कराते हैं। सारी दुनिया से मेरे ख्याल से जितने इंडियंस हैं मिक्स सारे इधर हैं, मतलब साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, पंजाबीज, ये वो आपको सारे के सारे यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये देखिए मंदिर में पूजा करने के लिए फूल या गजरा लगाने के लिए भी फूल यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे सिंगापुर में। हिंदुस्तानी कपड़ों की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे, साड़ी सलवार कमीज सब चीज़ आपको मिल जाएगी। इंडियन स्टाइल की ज्वेलरी की भी कोई कमी नहीं है, झुमकी से लेकर हार से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए हार बन रहे हैं मूर्ति पूजन के लिए, और ये भगवान जी के कपड़े भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके साथ ही में बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई भी धार्मिक मूर्ति आपको चाहिए वो आपको सिंगापुर में स्ट्रीट पर मिल जाएगी। भगवान कहता है कि इंडिया को आप यहाँ मिस करेंगे, लिटिल इंडिया में आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। देखिए बिंदी से लेके चूड़ी से लेके हर चीज़ इस बाज़ार में मौजूद है, और ये स्ट्रीट के ऊपर जितनी भी दुकानें आपको आसपास नज़र आ रही हैं सारी की सारी इंडियन दुकानें हैं, ज्वेलरी की, कपड़ों की, एक्सचेंज की, जो भी दुकानें हैं सब इंडियंस की दुकानें हैं। ये पूरा नमकीन, भुजिया, हर चीज़ जो हम खाते हैं हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये पूरी की पूरी जो दुकान है, जैसे हमारे वहाँ पे किराना की दुकानें होती हैं वैसी की वैसी ये दुकान है। आई थिंक आटा, चावल, दाल, हर चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ऐसा लग रहा है किसी हिंदुस्तान की दुकान में ही खड़ी हूँ, देख रही हूँ ये सब होते हुए। जो देसी मसाले हम घरों में यूज करते हैं सब चीज यहाँ पे आसानी से मिलती है सिंगापुर में। सौंफ, दालचीनी, हल्दी, इलायची, हर चीज पड़ी हुई है यहाँ पे।
इंडिया तो वाकई में ही इंडिया है, हर एक इंसान जो मेरे पास से निकलता है, चल रहा है, सबके सब लोग इंडिया के हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के हों लेकिन इंडिया के ही हैं। सारी दुकानें खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, इंडियन खाने की, डोसे की, वड़ा सांभर की, पराठों की, हर चीज़ यहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर अवेलेबल है। और भूगी स्ट्रीट से दूर नहीं थी तो अच्छा मैंने डिसीजन लिया, पैदल चल के आई, थोड़ा थक गई थी बट फिर भी बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने एक मंदिर है, तो मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ। तो ये वो टेम्पल है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये लिटिल इंडिया के अंदर ही है, यहाँ पे लोगों को शूज़ उतारने पड़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है, चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं टेम्पल के। शूज़ मैंने उतार लिए हैं, पैर मैंने धो लिए हैं, हाथ मैंने धो लिया, तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं साथ में। आई जस्ट होप कि कोई ऑफेंसिव फील ना करे, क्योंकि धर्म का मामला है, तो मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी डिस्क्रीट और चुपचाप वीडियो बनाऊँगी। ये आशीर्वाद देने का एक तरीका है यहाँ पे, तो मुझे भी आज बहुत सारा ढेरों सारा आशीर्वाद मिल गया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ आज। आई थिंक जो दिन की सबसे अच्छी जगह देखी वो यही देखी, दिल खुश हो गया। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म की, हर एक रिलीजन की, हर एक इंसान की इज्जत होनी चाहिए, और यही चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ से, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी खुश हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मैं अच्छी खुशियाँ और यादें यहाँ से समेट के लेके जा रही हूँ इस मंदिर से। तो चलिए मंदिर के दर्शन भी आपको करवा दिए मैंने, और अभी चलते हैं बाहर, निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं साथ में। एक मुझे रेस्टोरेंट नज़र आया जिसका नाम कैलाश पर्वत है, तो सोचा कि इसके अंदर चल के देखते हैं क्या खासियत है। बहुत कैची सा रेस्टोरेंट लगा, नाम भी अच्छा लगा मुझे, तो चलिए साथ में चलते हैं थोड़ा सा। सारी इंडियन मिठाइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं। वाह, यहाँ तो चाट भी है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू।
ये वाला रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और मेरा मन नहीं है इतने भरे रेस्टोरेंट में बैठने का. आई वॉन्ट टू हैव सम स्नैक टाइप, कुछ रोड साइड ऑथेंटिक सा ना. और मैंने यहाँ का लक्सा करके एक डिश सुनी है, बहुत स्पाइसी सी चटपटी सी होती है, उसमें कोकोनट मिल जाता है. तो चलो ढूंढते हैं यहाँ पे, अगर मिलती है नहीं तो कुछ भी देसी खाएंगे आज, है ना. सबसे जल्दी पहुँच गई इस टेमिलियन रेस्टोरेंट में जहाँ पर मैंने अभी ऑर्डर किया है मसाला डोसा. मेरा डोसा आ रहा है, उसके साथ साथ मैं आपको अगर साथ का सीन दिखा पा रही हूँ, क्या मज़ेदार तरीके से खाना सर्व हो रहा है. एक पेपर की शीट दी है मुझे, ये खाकी कलर का पेपर है, इसके ऊपर खाना सर्व होगा, इसी के ऊपर मैंने खाना है. चटनी वटनी सब साइड में, यू कैन सर्व योर सेल्फ प्लीज. करारा डोसा ही दिया, सो डोसे की मैंने एक बाइट ली है, साथ में जो उसकी साइड की चटनी है मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ऐसी चटनी मैंने कभी भी नहीं खाई. लाइट चटनी भी थोड़ी ट्राई करके देखती हूँ कैसी है, थोड़ी पतली है. मैं दोनों की लुक आपको दिखाती हूँ. सो ये है डोसा, ये वाली चटनी है जो बहुत चटपटी है, जो येलो कलर की है, और वाइट कलर की चटनी भी बहुत ही अमेजिंग है. ऐसी चटनी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई. वेरी स्पाइसी बट वेरी वेरी टेस्टी. रेस्टोरेंट का नाम है वीरास करी. I really really highly recommend if you ever come to this side, Little India in Singapore, I swear to God. इतना मज़ेदार डोसा. मैं UAE में रहती हूँ, वहाँ पर भी साउथ इंडियन खाना बहुत मिलता है, बट दिस इज़ लाइक ऑथेंटिक ऑथेंटिक टेस्ट, वेरी वेरी टेस्टी. सो लेट मी इन्जॉय द डोसा एंड यू गाइस ऑल्सो इन्जॉय योर मील. देखिए पूरा मील मैंने अपना खा लिया है, कैसे भूख लगी हुई थी मुझे. और मैं आपको चटनी दिखा देती हूँ, इस तरह से सब टेबल के ऊपर ये चटनी सर्व होती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे मर्जी ले सकते हैं. एक चटपटी चटनी है, दूसरी मेरे ख्याल से प्लेन कोकोनट चटनी है, और एक सांभर है, और साथ में पानी. और पूरे के पूरे लोग यहाँ पे आपको चमेलियंस और यू नो साउथ इंडिया के लोग नज़र आ रहे हैं जो हाथ से खाना खा रहे हैं. मैंने भी पूरा का पूरा खाना हाथ से खाया है. शाने पंजाब और पता नहीं कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा. सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा अभी इस इंडियन मार्केट से, सिंगापुर के फील से, इन सब चीज़ों से जितना जल्दी निकल जाऊँ उतना बेटर है, क्योंकि दिल लगने लग गया है मेरा यहाँ भी. सब कुछ इतना अपना अपना सा लग रहा है, फूल है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या, यू नो पूरी ग्रोसरीज, खुशबू आ रही है मुझे फूलों की, गोल्ड है आसपास में. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली की या इंडिया के किसी शहर की है ना गलियों में घूम रही हूँ. वैसा ही साइड में म्यूज़िक चल रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं. तो अभी हो गई है रात, बहुत लेट हो गया है, बहुत सारा आपको मैंने घुमा दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अपने साथ दिखा दी हैं, इंजॉय करा दी हैं. अभी मैं बस निकलने वाली हूँ, साइन ऑफ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गई है और यहाँ से टैक्सी या ट्रेन या जो भी मुझे लेके जाना है, आई हैव टू वर्क दैट आउट. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. लेट मी जस्ट गेट इन द लाइट लिटिल बिट. एंड अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं भी पसंद आया होगा उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा फाइनल बाय बोलती हूँ सिंगापुर से, और मिलते हैं फिर किसी देश में, किसी जगह पर, किसी अच्छी सी जगह पर आपको फिर अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ. बाय बाय.